इसराइल और हमास के कब्जे वाले गाजा में जंगी हालात बदस्तूर जारी हैं। इसराइल हमास युद्ध की आग अब पूरे मिडल ईस्ट में भड़क चुकी है। युद्ध हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा है। दोनों तरफ से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि इसराइल के जवाबी हमले से गाजा के 1 लाख से ज्यादा आवास पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, तो वहीं गाजा में मारे गए लोगों की संख्या 60,000 के पार हो गई है। इसमें करीब 10,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वहीं यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इन सब के बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खुलासा किया कि कुछ शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चेतावनी दी है। कहा गया है कि उन्हें इसराइल का ये आश्वासन विश्वसनीय नहीं लगता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुपालन में अमेरिका की ओर से सप्लाई हथियारों को तैनात कर रहा है। बीते फरवरी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम निकाला था, जिसके तहत विदेश मंत्री ब्लिंकन को 8 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था कि क्या वे इसराइल के आश्वासन पर विश्वास करते हैं कि अमेरिकी हथियारों का उपयोग अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। रॉयटर्स के मुताबिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम, जनसंख्या, शरणार्थी, प्रवासन, वैश्विक आपराधिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मामलों वाले 4 ब्यूरो ने गाजा पर युद्ध में इसराइल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई है। सभी एजेंसियों ने खुलासा किया कि इसराइल के वादे ना तो विश्वसनीय थे और ना ही भरोसेमंद। एजेंसियों ने कई घटनाओं का वाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के संबंध में गंभीर प्रश्न भी उठाए हैं। इनमें नागरिक बुनियादी ढांचे और संरक्षित क्षेत्रों पर बार बार हमले शामिल थे। सैन्य लाभ के लिए अनजाने में नागरिक क्षति को बढ़ाया गया। बमुश्किल उल्लंघनों की जाँच करना या महत्वपूर्ण नागरिक क्षति के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना, मानवीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की अभूतपूर्व दर से हत्या शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य सहायता से जुड़े राजनीतिक और सैन्य मामलों के ब्यूरो ने ब्लिंकन को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी हथियारों को रोकने के लिए कथित तौर पर ईरान से उकसावे को बढ़ावा मिलेगा। बताया गया कि करीब 32,000 लोगों की हत्या, जिनमें से इसराइल की नेतन्याहू सरकार खुद का आंकलन करती है कि लगभग 2/3 नागरिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की आवश्यकता को उल्लंघन हो सकता है। बीते दिनों व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका ने पहले गाजा में इजरायली बलों की ओर से कई कार्रवाइयों पर गौर किया। उन्हें ऐसी कोई घटना नहीं मिली जहां इजरायलियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया हो। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने फरवरी में न्यूज एजेंसी अल मयादिन को बताया कि जहां तक सैन्य सहायता का सवाल है, दूसरों को भेजे जाने वाले सैन्य उपकरणों और सेवाओं के संबंध में सुरक्षा उपायों और जवाबदेही पर राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन नए उपायों को लागू करने का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि ये केवल मौजूदा नियंत्रणों के अनुपालन की गारंटी की मांग करता है। ज्ञापन में वह उपाय शामिल हैं जो लंबे समय से इसराइल पर लागू होते रहे हैं। ये उन सभी देशों पर भी लागू होता है जिन्हें अमेरिका अमेरिकी कानूनों के मुताबिक हथियारों की सप्लाई करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्का अल्बानीज ने कहा, अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र निरंतर हिंसा के चक्र में घिरा हुआ है। हिंसा की दर और गति ने साफ किया कि इसराइल के निरंकुश नियंत्रण के तहत कोई भी फिलिस्तीनी सुरक्षित नहीं है। बहरहाल इसराइल के जारी सैन्य ऑपरेशन ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमास के खात्मे से शुरू हुई जंग आज भी गोलियों की गूंज और हवाई हमलों के धमाकों की आवाज के साथ जारी है। ये देखना काफी अहम रहेगा कि बिगड़ते हालात के बीच आने वाले दिनों में अमेरिका इस पर कितनी गंभीरता से कदम उठाता है।